भारत में रीसेल प्रॉपर्टी का बाजार अब हो रहा है गर्म, क्योंकि खरीदारों के लिए रीसेल बाजार बन रहा है एक बेहतरीन ऑप्शन। प्राइमरी मार्केट से अलग रीसेल बाजार में फ्लैट्स की कीमतों में 5 से 18 फीसदी तक कीमतों में दर्ज की जा रही है कमी। प्राइमरी बाजार में एक आम आदमी के लिए घर का सपना पूरा करना मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि डेवलपर्स कीमतों को गिरने नहीं दे रहे हैं, जबकि देश भर में लाखों घर बनकर तैयार हैं और धूल फांक रहे हैं। देखिए, अगर कॉस्ट है तो कॉस्ट से नीचे तो सेलिंग नहीं किया जा सकता। एक आपने किसी चीज को बनाया, अगर वो 3000 रुपए फुट में बना है तो आप उसको मजबूरी 5000 रुपए 4000 रुपए फुट में बेचते हैं, और अगर उसके ऊपर 3000 रुपए फुट में बना के आपको इंटरेस्ट समेत ऑलरेडी 3.5 या 4 पड़ 3 है, तो आप उसको वापस 3 में बेचेंगे तो आपकी कंपनी बंद नहीं हो जाएगी। जब ग्राहक डेवलपर्स या ब्रोकर्स के पास घर खरीदने जाते हैं तो फ्लैट्स की आसमान छूती कीमतें सुनकर उनकी आंखें खुली रह जाती हैं। वहीं जब ग्राहक अपने फ्लैट्स उन्हीं डेवलपर्स और ब्रोकर्स के पास बेचने जाते हैं तो उन्हें कम कीमत बताई जाती है। ऐसे में घर का सपना सच करने के लिए रीसेल बाजार लुभावना होता जा रहा है। मान लीजिए 5 लाख रुपए उसने लगाए 50 लाख की प्रोडक्ट के ऊपर, तो 5 लाख रुपए लगाने के बाद में और प्रोजेक्ट जो 5000 स्क्वायर फीट का 5000 के भाव पे 50 लाख का था, वो बढ़कर आज 5500 रुपए हो गया। तो 5500 हो गया तो यानी 55 लाख हो गया। उसकी इन्वेस्टमेंट तो सिर्फ 5 लाख रुपए की लगी, लेकिन उस प्रोजेक्ट के ऊपर उसको 5 लाख रुपए और दिख रहे हैं। तो उसकी कोशिश होती है कि किसी तरीके से अगर 200-300 रुपए सस्ता भी है, क्योंकि जो कंपनी है वो 5500 रुपए के भाव पे बेच रहे हैं, तो वो 200-300 रुपए पे भी अगर माल अपना प्रोजेक्ट अपना जो प्रोडक्ट है वो बेच के बाहर निकलता है तो उसको उसमें भी 300 रुपए का मतलब हो गया मोटे तौर के ऊपर में 3 लाख, 2.5 से 3 लाख रुपए अपनी 5 लाख की इन्वेस्टमेंट के ऊपर में मिलता है। मुंबई के रीसेल प्रॉपर्टी बाजार में ग्राहकों को 5 से 7 फीसदी कम कीमत पर फ्लैट्स मिल जा रहे हैं, जबकि नोएडा के रीसेल प्रॉपर्टी बाजार में कीमतें 10 से 16 फीसदी कम है, जबकि गुड़गांव के रीसेल प्रॉपर्टी बाजार में 14 से 18 फीसदी कम कीमतों पर फ्लैट्स मिल रहे हैं। वहीं बेंगलुरु में 11 से 13 फीसदी कम कीमत पर रीसेल बाजार में प्रॉपर्टी मिल रही है। दरअसल पिछले कुछ वर्षों से प्रॉपर्टी की कीमतों में लगातार तेजी बनी हुई है, और इस तेजी को बढ़ाने के लिए सेक्टर में उसी रफ्तार में निवेशकों की संख्या बढ़ने लगी है, साथ ही बढ़ने लगी है नए प्रोजेक्ट्स की लॉन्चिंग। लेकिन पिछले 1 से 2 साल में भारतीय रियल स्टेट सेक्टर सुस्ती की चपेट में आ गया। ऐसे में EMI शुरू होने से पहले निकल जाने वाले निवेशक इस सेक्टर में फंस गए हैं, और यही वो निवेशक हैं जो अपनी प्रॉपर्टी रीसेल बाजार में अच्छे खासे डिस्काउंट्स पर बेचने को मजबूर हो रहे हैं। राजीव रंजन, दिल्ली, News 24। देश के रियल स्टेट सेक्टर में कुछ हलचल तेज हुई है। इस साल के शुरुआती 9 महीनों में बेंगलुरु के प्रॉपर्टी बाजार में प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट 2000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है, जबकि पुणे में इस दौरान पिछले साल के मुकाबले 3 गुना निवेश हुआ है। देश की प्रॉपर्टी बाजार में सुस्ती का आलम है। बैंक सहित ज्यादातर फाइनेंशियल कंपनियां सेक्टर में निवेश करने से बचती नजर आ रही हैं, या जानबूझकर ब्याज इतना ज्यादा कर दिया है कि रियल स्टेट कंपनियां फंड लेने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही हैं। इस अनिश्चितता के माहौल में भी देश के कुछ शहरों में प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट बढ़ने लगा है, जिससे रियल स्टेट सेक्टर ने राहत की सांस ली है। बेंगलुरु रियल स्टेट मार्केट में काफी सुधार देखने को मिला है। बेंगलुरु के रियल्टी मार्केट में इस साल जनवरी से सितंबर के दौरान करीब 2000 करोड़ रुपए का प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय कंसल्टेंट कुशमैन एंड विकफील्ड की एक रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। कंपनी का कहना है कि संस्थागत निवेशकों की ओर से लीज्ड ऑफिस एसेट्स की मांग में तेजी आई है, जिससे साल की पहली 3 तिमाहियों में बेंगलुरु प्रॉपर्टी मार्केट में 1,989 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है, जो कि साल 2012 की पिछली 3 तिमाहियों में 1,006 करोड़ रुपए था, यानी कि पिछले साल के मुकाबले निवेश में 79 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जानकारों का कहना है कि भारत में बेंगलुरु को IT इंडस्ट्री की राजधानी माना जाता है, साथ ही ये शहर दक्षिण भारत के लिए हब है। बेंगलुरु में डेवलपर्स की प्रोफाइल बहुत अच्छी है, और बेंगलुरु के प्रॉपर्टी बाजार में सबसे ज्यादा निवेश की एक बड़ी वजह है। यहाँ सभी सेगमेंट की प्रॉपर्टीज किफायती और अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पर मिल रही हैं। शोभा डेवलपर्स, पूर्वांकरा प्रोजेक्ट्स, प्रेस्टीज एसेट्स और ब्रिज ग्रुप बेंगलुरु के बड़े डेवलपर्स हैं। हालांकि कुशमैन और वेकफील्ड के मुताबिक देश में सबसे ज्यादा निवेश के मामले में अगर किसी शहर ने बाजी मारी है तो वो है पुणे। इस साल जनवरी से सितंबर की तिमाही के दौरान पुणे के रियल्टी बाजार में इन्वेस्टमेंट 3 गुना से ज्यादा बढ़कर 780 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो पिछले साल 234 करोड़ रुपए था।
एनसीआर में 2013 की पहली तीन तिमाहियों के दौरान 612 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ, जो पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले महज 20% ज्यादा है। पिछले साल की समान अवधि में एनसीआर में 512 करोड़ रुपए का निवेश हुआ था। एनसीआर में सभी इन्वेस्टमेंट रेजिडेंशियल एसेट क्लास में हुए। यहाँ पे लास्ट एक डेढ़ साल में एनसीआर में खास करके ना जो न्यूज आया बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन, चाहे वो नोएडा एक्सटेंशन के कोर्ट को लेके आया या पॉलिसी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, बायलॉ चेंजेस नहीं हुए, तो एक परसेप्शन ऐसा आया कि यहाँ पे अभी चीजें थोड़ी सी डिस्टर्ब हैं, रुकी हुई हैं। तो पी का एक टिपिकल सोचने का तरीका है कि उस मार्केट में एंटर करो जहाँ पे क्लैरिटी पूरी है। परंपरागत रूप से सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने वाले शहर मुंबई में इस दौरान पीई इन्वेस्टमेंट्स में 43% की गिरावट दर्ज की गई। मुंबई में साल जनवरी सितंबर के दौरान कुल 720 करोड़ रुपए का पीई इन्वेस्टमेंट हुआ, जो एक साल पहले की समान अवधि में 1262 करोड़ रुपए था। कुशमैन एंड वेकफील्ड ने रिपोर्ट में लिखा है कि इस साल के पहले 9 महीनों में रियल एस्टेट सेक्टर में ओवरऑल पीई इन्वेस्टमेंट 26% बढ़कर 4716 करोड़ रुपए रहा। देश के कुछ शहरों में रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश बढ़ना इस सेक्टर के लिए राहत के संकेत दे रहे हैं, लेकिन प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट के दम पर इस सेक्टर को सुस्ती से बाहर ला पाना नामुमकिन है। जब तक ग्राहकों को सही कीमत नहीं मिलती और उनकी ईएमआई कम नहीं होती, तब तक रियल एस्टेट सेक्टर की सुस्त पड़ चुकी रफ्तार को बढ़ाना संभव नहीं है। राजीव रंजन, दिल्ली, News 24। और अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं एटीएन इंफ्राटेक के सीएमडी आलोक त्यागी। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी 24 में। जी, धन्यवाद। और हमसे पहला सवाल पूछ रहे हैं संदीप राय, हैं गुवाहाटी से। इन्होंने हमें ईमेल भेजा है, ये जानना चाहते हैं कि गुवाहाटी में जीवन सुरक्षा डेवलपर्स के एक प्रोजेक्ट में इनके साथ 31 लोगों ने फ्लैट खरीदा है, जिसमें ज्यादातर लोगों के यहाँ पर एक या दो इंस्टॉलमेंट देना ही बाकी है। इनका डेवलपर धोखाधड़ी के मामले में जेल चला गया है और अभी बेल पर बाहर आया है। इन लोगों को पोजेशन मिल चुका है, लेकिन प्रोजेक्ट में कुछ काम अभी बाकी है। ये सोसाइटी के लोगों से पैसे लेकर कुछ काम इन्होंने करवाया भी है, लेकिन अब ये क्या करें, डेवलपर्स काम पूरा नहीं कर रहा है। संदीप जी, सबसे पहले तो जो अभी आपने 31 लोगों की बात रखी है, आपके क्वेश्चन से मुझे क्लियर नहीं है कि अभी तक अपनी आरडब्ल्यूए आपने फॉर्म की है या नहीं की है। नहीं की है, सबसे पहला आप काम कीजिए, अपनी आरडब्ल्यूए फॉर्म कीजिए। जैसे ही आपकी आरडब्ल्यूए फॉर्म हो जाती है, उसके बाद कोई भी लीगल कंसल्टेंसी के थ्रू, अदरवाइज आप डायरेक्ट खुद भी जा सकते हैं, आप डायरेक्ट कंज्यूमर फॉर्म में अप्लाई कीजिए। उसी के थ्रू आपको कोई ना कोई रास्ता बेहतर मिल सकता है, बेहतर विकल्प सिर्फ इसके लिए कंज्यूमर फोरम में। लेकिन मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि आप 31 लोग हैं, यदि आप इंडिविजुअल होते तो अकेले जा सकते थे, लेकिन 31 लोगों के लिए सबसे पहले आपको अपनी आरडब्ल्यूए फॉर्म करनी पड़ेगी, स्ट्रांग यूनियन आपको लेकर के आगे बढ़ा के चलनी पड़ेगी। और अगला सवाल हमसे पूछ रहे हैं आवेश कुमार, हैं जयपुर से। जी पूछिए अपना सवाल। मैं भिवाड़ी सोना रोड या फरीदाबाद में विला परचेज करना चाहता हूँ। मेरा बजट अप्रोक्स 60 लाख है, क्या क्या बेटर ऑप्शंस हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आवेश जी, जैसा कि अभी आपने जिक्र किया कि आप 60-70 लाख रुपए के बजट में विला खरीदना चाहते हैं, ये बड़ा मुश्किल सवाल है मेरे लिए कि आप 60-70 लाख रुपए के अंदर विला की बात कर रहे हैं। विला बेसिकली एक हाई एंड प्रोडक्ट होता है, जिसकी मिनिमम जो स्टार्टिंग रेंज है, यदि आप विला की बात करें एक्चुअल विला, तो स्टार्टिंग कॉस्ट ही आई थिंक 1 करोड़ रुपीज इज अ स्टार्टिंग कॉस्ट। व्यक्तिगत आपको सजेशन यही रहेगा कि आप 60-70 लाख के बजट में इन विलाज में ना जाएं, क्योंकि 60-70 लाख के बजट में बेहतर है कि आप कोई भी 2 BHK अपार्टमेंट या 3 BHK अपार्टमेंट, और कुछ ना हो सके छोटा प्लॉट आप कहीं पर ले लेंगे। क्योंकि अभी जो बजट है आपका, उस बजट में सोहाना में भी प्लॉट्स अवेलेबल हैं, आपका भिवाड़ी में भी अवेलेबल हैं, फरीदाबाद काफ़ी सस्ता है अभी, उधर आप ले सकते हैं। तो आप प्लॉट लेकर के डाल दें, और भविष्य में जब कुछ और पैसा अपना आप जोड़ते हैं, थोड़ा इन्वेस्टमेंट और करके अपने अकॉर्डिंग आप उसको डेवलप करें, और एक इंडिपेंडेंट अच्छा घर आप उसको अपना नाम विला दे सकते हैं कि जी आवेश जी की विला है ये, तो उसको लेकर के आप चल सकते हैं। वो बेहतर मेरे हिसाब से, मेरा सजेशन ये होगा आप इसको लेकर चले। आवेश, उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगला सवाल हमसे पूछ रही हैं पारुल उपाध्याय, हैं लखनऊ से। जी क्या जानना चाहती हैं पारुल आप? मैं एनसीआर में प्लॉट लेना चाहती हूं, और मैं ये जानना चाहती हूं कि मुझे कहां इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सी सही इन्वेस्टमेंट रहेगी कि जिसमें मुझे 5 साल में सही रिटर्न मिले और आसपास सारी सुविधाएं मिले। पारुल जी, आपका क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, लेकिन अधूरा है। आपने अपने सवाल में ये क्लियर नहीं किया है कि आपका बजट कितना है। सबसे पहले आपको ये क्लियर करना पड़ेगा, अपना माइंड मेकअप करना पड़ेगा कि आपका बजट कितना है।
प्लॉट की जो स्टार्टिंग और सबसे सस्ती रेंज अवेलेबल है वो यमुना एक्सप्रेस वे पर अवेलेबल है अभी, जहाँ पे ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी ने बेसिकली प्लॉट का अलॉटमेंट किया था आपसे कई साल पहले। तो डेवलपमेंट में भी टाइम लग जाएगा, लेकिन आने वाले टाइम में वहाँ पर मेट्रो भी आनी है जो अभी प्रस्तावित है नोएडा से ग्रेटर नोएडा तक, फिर वो परी चौक से उसको आगे एक्सटेंड करने की बात चल रही है। आप कहते हैं नहीं मेरा बजट ठीक है 1 करोड़ के आसपास पे जा सकते हैं, तो नोएडा भी कुछ विकल्प आपको छोटे प्लॉट्स के मिल सकते हैं, और आप मिडिल सेगमेंट 70-75 लाख रुपए के आसपास के बजट में तो आप फरीदाबाद की तरफ एनसीआर में अच्छे ऑप्शन आपको मिलेंगे, और प्लॉट के साथ साथ बने हुए मकान भी आपको मिल सकते हैं। और बाकी गाजियाबाद में भी कुछ नई कॉलोनियां भी कट रही हैं, आपकी आवास विकास ने कुछ प्लॉट्स निकाले हैं, आप उधर रीसेल में चेक कर सकते हैं अपने आप को। और अगला सवाल हमसे पूछ रही हैं सुरभि गुप्ता है मुंबई से। जी सुरभि, क्या जानना चाहती हैं आप? नोएडा या ग्रेटर नोएडा में मैं स्टूडियो अपार्टमेंट्स में इन्वेस्ट करने की सोच रही हूँ, तो मेरा सवाल ये है कि अगले 4 सालों में मुझे से क्या रिटर्न्स मिल सकते हैं और क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है? सुरभि जी, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि बहुत ही कम लोग जानते हैं कि स्टूडियो अपार्टमेंट इन एक्चुअल है क्या। बेसिकली स्टूडियो अपार्टमेंट जो है ये एक फॉरेन कल्चर है, जहाँ पर जो MNCs हैं या कॉरपोरेट कंपनीज हैं या IT कंपनीज हैं उन लोगों के लिए एक स्टूडियो अपार्टमेंट एक कल्चर स्टार्ट हुआ था फ्रॉम सिंगापुर। बेसिकली आपको 24 आवर्स पेंट्री की फैसिलिटीज आपको मिल जाती है, किचन मिल जाती है, आप ऑर्डर करें आपको मिल जाता है। तो अब हिंदुस्तान में इसका कल्चर धीरे धीरे आ रहा है, कंपनियाँ फोकस कर रही हैं, सारे डेवलपर्स फोकस कर रहे हैं, और NCR में यदि बात करूँ मैं नोएडा या ग्रेटर नोएडा जो आपने अभी जिक्र किया, तो नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे पर इटसेल्फ काफ़ी स्टूडियो अपार्टमेंट्स आए हैं, पोजिशन पर आ चुके हैं। सेकेंडली ग्रेटर नोएडा के अंदर काफ़ी स्टूडियो अपार्टमेंट्स हैं। थर्ड, जो अंडर डेवलपिंग एरिया है अभी, जहाँ पर एक अच्छा डेवलपमेंट चल रहा है वो है यमुना एक्सप्रेस वे, जहाँ पर अभी स्टार्ट होती है वो गौतम बुद्ध नगर यूनिवर्सिटी से स्टार्ट होता है। सेकेंड नंबर पर आपका नाइट सफारी है जो अप्रूव्ड हो चुकी है। थर्डली आपका 2-3 यूनिवर्सिटीज और हैं, उसके आगे आप चलते हैं तो आपको Formula 1 कार रेस ट्रैक है। तो इस तरीके से सो मेनी कंपनीज एंड सो मेनी इंस्टीट्यूशनल एरिया इज देयर। तो वहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, इस ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने करीब 13 प्लॉट डेवलप किए, इस सेक्टर का नाम दिया टेक जोन। उसके अंदर 13 के 13 प्लॉट डिफरेंट बिल्डर्स को दिए गए, और वो सभी उसके अंदर IT कंपनीज, IT ऑफिस, कमर्शियल एंड स्टूडियो अपार्टमेंट्स, ऑफिस स्पेस सब कुछ अवेलेबल है उसके अंदर। तो आप तलाश कर सकते हैं, सभी बिल्डर्स अवेलेबल है वहाँ पर, सारी इन्वेंट्री अवेलेबल है, और उसका बजट करीब 25 से लेकर के 35 लाख रुपए के बीच में वेरी करता है। इसके अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज ये होगी कि आप ये ना सोच के चलें कि स्टूडियो अपार्टमेंट में कल को आपको होम लोन मिल पाएगा। तो उम्मीद करते हैं सुरभि कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगला सवाल हमसे पूछ रहे हैं गौरव जैन दिल्ली से, इन्होंने हमें ईमेल किया है। NCR में फ्लैट खरीदना चाहते हैं, इनका बजट है 60-70 लाख रुपए, क्या है बेहतरीन ऑप्शन? गौरव जी, जैसा भी आपने जिक्र किया कि आपका बजट 60-70 लाख रुपए है, ये एक अच्छा बजट है, और इसके अंदर आपका काफी विकल्प खुले हुए हैं। आप नोएडा भी ले सकते हैं, ग्रेटर नोएडा ले सकते हैं, नोएडा एक्सटेंशन ले सकते हैं, इवन गुड़गांव भी आप ले सकते हैं। लेकिन मेरा आपको व्यक्तिगत अपना पर्सनल सजेशन यही रहेगा कि आप नोएडा चूज करें। 60-70 लाख रुपए के अंदर नियर बाई मेट्रो प्रोजेक्ट, मेट्रो स्टेशन, देयर आर सो मेनी अवेलेबिलिटीज फॉर यू, सो मेनी ऑप्शंस फॉर यू। लेकिन एक चीज और कहना चाहूंगा मैं इसके साथ ही, 60-70 लाख रुपए में 2 BHK ही आपको मिल पाएगा नोएडा के अंदर। लेकिन यदि आप 3 BHK अपार्टमेंट्स लेना चाहते हैं तो इसी बजट के अंदर आपको ग्रेटर नोएडा और नोएडा एक्सटेंशन, जिसको आज के डेट में ग्रेटर नोएडा वेस्ट भी बोलते हैं, ये आपके लिए बेहतर विकल्प होगा।